यार मैं सोच रही हूँ क्यों ना चिंकी के लिए पेंसिल टॉपर बनाया जाए। आइडिया, जिसके लिए हमें चाहिए सिंपल सा पेंसिल एंड थिन कार्डबोर्ड शीट। देन पिंक कलर के पेपर के ऊपर थिन कार्डबोर्ड शीट को ट्रेस करके कटआउट कर लूंगी। अभी थिन कार्डबोर्ड शीट को कवर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू। चलो फटाफट बना लेती हूँ। चिंकी आज स्कूल गया है, आज मैं उसको सरप्राइज कर दूंगी, वो भी उसके पिंक कलर। देन हाथों की मदद से एक राउंड सा शेप दे दूंगी। एंड में इसको स्टेपलर की मदद से स्टेपलिंग कर दूंगी। स्टेपलिंग करने के बाद ऑफकोर्स थोड़ा सा डर्टी लुक हो जाता है। अगेन मैं इसको पिंक कलर के पेपर की हेल्प से कवर कर दूंगी। आई नो, मैं आ गई हूँ, क्या कर रहे हो तुम? ओह माय गॉड, चिंकी आ गया। कुछ नहीं चिंकी, जाओ तुम फ्रेश होके आओ। ओके, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। चलो 2 मिनट के अंदर फटाफट फिनिश करना पड़ेगा। तो मैंने इधर ट्रांसपेरेंट शीट ले लिया हूँ, जिसको मैं सर्कल में कट कर लिया हूँ। देन ग्लू की हेल्प से स्टिक करनी है। ऑफकोर्स प्रोसेस थोड़ा लंबा है। देन मैंने इधर लाइट ग्रीन कलर की एक पेपर ले लूंगी, जिसको मैं व्हील शेप में कटआउट कर लूंगी। अगेन ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देनी है। तो बैक साइड में हमारा एक एंड रहेगा ओपन। फिर हमें चाहिए मिनी पिंक कलर की बीट्स। ओपन साइड से बीट्स को इंसर्ट कर देनी है। देन अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ग्लू ट्रांसपेरेंट शीट, ग्लू पेपर व्हील्स। अगेन मैंने पेपर का कटआउट कर लूँगी, जिसमें मैं बनी का ईयर बनाऊंगी। तो मैंने इधर ग्रीन कलर वाला मीडियम में कट करी हूँ और पिंक कलर वाला स्मॉल में। फिर इसे ग्लू की मदद से स्टिक कर देनी है। तो हमारी बनी की फेस तैयार हो चुकी है। तो हम इधर पेंसिल को भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेंगे। पेंसिल के टॉप में पिंक कलर की स्ट्रिप से कवर कर दूंगी। एंड में ग्लू से स्टिक करना बिल्कुल ना भूले। तो मैंने इधर फिर से एक पतला वाला स्ट्रिप ले लिया हूँ, जिसके ऊपर ग्लू लगा के स्नेक की तरह कवर कर दूंगी, जिसमें हमारी पेंसिल और भी अट्रैक्टिव और क्यूट दिखने लगेगी। नाउ इज डन। टॉप में ग्लू की हेल्प से बनी का फेस भी अटैच कर दूंगी पेंसिल के साथ। बनी को एक्स्ट्रा लुक देने के लिए मैंने इधर पेपर का छोटू सा एक बो बना के रखी थी, जिसको मैं अटैच कर दूंगी। तो हमारी सॉरी चिंकी की पेंसिल टॉपर इज रेडी। पेंसिल टॉपर मेरे लिए, वो भी पिंक कलर की। हाँ चिंकी, अनु तुम कितने अच्छे हो, लव यू। इसी बात पे बनी इमोजी तो कमेंट करो। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे रिक्रिएशन टैग करना बिल्कुल ना भूलो।